नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप में माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है। अपनी कठिन साधना और ब्रह्म में लीन रहने के कारण माँ को ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मचारिणी नाम का अर्थ तपस्या और चारिणी यानी आचरण से है। इन्हें तप का आचरण करने वाली देवी भी माना गया है। माँ ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में तप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। मान्यता है कि माँ के इस रूप को पूजने से व्यक्ति को तप, त्याग, वैराग्य और सदाचार गुणों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा व्यक्ति को हर कार्य में सफलता मिलती है। तो आइए अब हम जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि, भोग और श्रृंगार के बारे में। माँ ब्रह्मचारिणी को पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए नवरात्रि के दूसरे दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके पीले रंग के वस्त्र धारण करें। उसके बाद जहाँ पर आपने घट स्थापना की है वहाँ पर गंगा जल से जमीन को पवित्र करके माँ के सामने बैठ जाएं और माँ का ध्यान करते हुए माँ ब्रह्मचारिणी के इस मंत्र का जाप करें। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम जपमाला कमंडलु धराम ब्रह्मचारिणी शुभाम। अब माँ ब्रह्मचारिणी का श्रृंगार करें। माँ को सबसे पहले पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद चंदन और रोली का टीका लगाएं। फिर लौंग, इलायची और मिश्री माँ के चरणों में अर्पित करें। माँ ब्रह्मचारिणी को गुलदाउदी और वट वृक्ष के फूल बेहद प्रिय हैं, इसलिए अगर संभव हो सके तो इनकी माला या फिर इन फूलों को माँ के चरणों में अर्पित करें। फिर घी का दीपक जलाएं और श्री मंदिर पर माँ ब्रह्मचारिणी की आरती सुनते हुए माँ की आरती उतारें। माँ ब्रह्मचारिणी को दूध और दूध से बने व्यंजन अति प्रिय हैं, इसलिए माँ को भोग में दूध से बनी मिठाई का ही भोग लगाएं। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की कथा पढ़ें और श्री मंदिर के संगीत संग्रह में जाकर माँ ब्रह्मचारिणी का पाठ एवं उनकी आरती सुनें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र जाप करने से माँ अपने भक्तों को बुरी शक्तियों से बचाती है। तो ये थी माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि, भोग और श्रृंगार के बारे में जानकारी। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम जानेंगे माँ चंद्रघंटा की कथा और उनके स्वरूप के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार। आपके और आपके परिवार पर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। जय माता दी।